पसंद अमर रहे, जिला पसंद अमर रहे, जब तक सूरज जल रहेगा। कटिहार मेयर शिवा पासवान हत्याकांड पर राजनीति तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का दिवंगत मेयर के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मामले को लेकर जितना गुस्सा विपक्ष के नेताओं में है, उतना ही सधे हुए अंदाज में सत्ता पक्ष के नेता जवाब दे रहे हैं। वैसे भी ये बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के क्षेत्र का मामला है, इसलिए भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हलचल तेज होना स्वाभाविक है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए अपराधियों को सख्त सजा देने की बात कही है। वहीं कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने इस मुद्दे पर सरकार की खिंचाई कर दी है, जबकि पूर्व मेयर और बरारी के मौजूदा विधायक विजय सिंह भी इस हत्याकांड को लेकर तल्ख तेवर दिखाए हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और शिवाजी की हत्या, जो इस शहर के मेयर भी थे और दिन दहाड़े तो कहा जाए या उसको खुलेआम कहा जाए, जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है उससे तो ऐसा ही लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और कोई आदमी जब मेयर की इस तरह हत्या हो सकती है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? क्या सवाल ये है कि पुलिस को पूरी छानबीन करनी चाहिए और जो भी लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं या जो भी जिन लोगों ने ये पूरा कांड किया है उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी तरह का मतलब ये तो लोग अपेक्षा है, लोगों की पूरे कटिहार शहर की अपेक्षा है कि जल्द से जल्द लोगों को, ऐसे लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उनको सज़ा मिलेगी, कानून काम करेगा। जो अपराधी है वो किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी सरकार इस मामले में काफ़ी सख्त है और अपराधियों को पकड़ने के लिए हर स्तर की कार्रवाई की जाएगी। सर, लंबे तौर पर, निजी तौर पर भी कोई कारण समझ में आया, क्या कारण है? नहीं, देखिए, ये अनुसंधान के क्रम में है और इस समय इस प्रकार के किसी भी प्रकार की टिप्पणी को करना उचित नहीं है, अन्यथा अनुसंधान कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसलिए हमारे पुलिस अधीक्षक जी इस सारे चीज़ों को स्वयं भी देख रहे हैं। अभी आईजी से भी बात हुई है, उनका भी अभी आगमन होगा, फिर बात करके जो सारी बातें हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताऊंगा। वैसे एक एक घर इस कर्म में जो प्रगति हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपडेट हो रहे हैं। सबसे बात की कल सत्र में माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर करके हमने कहा है, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने डीजी बिहार से बात की और लॉ एंड ऑर्डर के जो व्यवस्था थी उन्होंने यहाँ करवाया है और हमने मांग की है कि उस स्तरीय जांच हो ताकि जो निर्दोष, जो दोषी व्यक्ति है वो फंसे और निर्दोष व्यक्ति इसमें नहीं आवे। निश्चित ये जाँच और बड़े से बड़े भी व्यक्ति इसमें कोई इन्वॉल्व है तो बक्से नहीं जाएंगे। इसका राजनीतिकरण देखिए, राजनीतिकरण लोग करते हैं, लेकिन यहाँ का जो जहाँ शिवराज पासवान जी का घर है, यहाँ का जो वातावरण है अगल बगल का, तो लोग अपना दबंगता सिद्ध करने के लिए ऐसा किया है। निश्चित इस और भी जांच होनी चाहिए। और घर में आज पता चल रहा है कि जिस समय घटना घटी है, रेलवे का लाइन 24 घंटा रहता है, 24 आवर्स, उस समय लाइन काट दिया गया। क्या कारण था कि लाइन काट दिया गया? और ये इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और हम चाहते हैं कि इसकी जाँच CBI से हो, उच्च स्तरीय जाँच हो, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति को मारा गया है जो कटिहार के महापौर के रूप में 3 महीना से काम किया है और 3 महीने में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम नगर निगम में बढ़ चढ़ के किया है। अब इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम चाहना चाहते हैं उस स्तरीय जांच की मांग करते हैं।